हम एंटरप्रेन्योर्स को लेके हमारी सोसाइटी में और फैमिलीज में बहुत सारे मिथ्स हैं। आई रिपीट, मिथ्स है। पहला, एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न दैट वे। हमसे पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। द ओनली रिक्वायरमेंट इज अ गुड आइडिया। आपके पास एक अच्छा आइडिया की जरूरत है, बस आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस गारंटीज फ्रीडम। आप एक नया बिजनेस खोल दो, फिर आप जिंदगी भर के लिए फ्री हो, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम होगा। लॉन्चिंग ए कंपनी क्विकली लीड्स टू वेल्थ। आप जैसे ही कंपनी लॉन्च कर लो, अगले दिन से आप करोड़पति हो। मतलब आपने कंपनी लॉन्च किया, एंटरप्रेन्योर हो, आपके पास हमेशा पैसा होना चाहिए। कि ओनली मनी मोटिवेट्स योर एम्प्लॉयज। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, उनको पैसे दो, बस उसी से उनको मोटिवेशन मिलता है। बिजनेस एदर फ्लरिश और फेल। बिजनेस के पास दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो फेलियर या तो सक्सेस। कोई ग्रे एरिया होता ही नहीं है, उससे कुछ सीख मिलती ही नहीं है। तो बिजनेसेस का दो ही रिजल्ट होता है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉल्स ऑन द एंटरप्रेन्योर। जो भी गलती हो वो बस एंटरप्रेन्योर की गलती होती है। देयर इज अ सीक्रेट सिल्वर बुलेट की टू सक्सेस। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए वो सीक्रेट फॉर्मूला होता है, वो बस आपको अभी तक मिला नहीं है। मिल जाए तो आप भी सक्सेस हो जाओगे। बिजनेसेस नीड समवन विद एन एमबीए। बस एक बड़ा सा आईआईएम से या तो कोई भी बड़ा सा एक बी स्कूल से एमबीए जब तक आपने नहीं किया, आप एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आपको इन्वेस्टर भी नहीं मिलेगा। क्विटिंग इज फॉर लूजर्स। इनके हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स कभी क्विट करते ही नहीं है और करना नहीं चाहिए। अगर आपने किया तो आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो। यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस एंड बी रूथलेस। आपको अपने इमोशंस कहीं दिखाने नहीं चाहिए। आप हमेशा रूथलेस लो, जिंदगी भर सारे सोसाइटी से लड़ते रहो, तभी आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। लेकिन हमें पता है क्या लगता है? अगर बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा।